मैया और चार दिन का बाबुल के तो घर में सिर्फ चार रोज का ठिकाना होता और अभी लकी रही रे थे मेरे लिए लकी ससुर प्राण के बकी कोई नहीं के बोली पिया मेरी तो जेल ही ससुराल बन गई बस देव समझा रहे रो ना आप इधर श्री सुखदेव जी बोले और ये होसल भैया जी क्या बन मुद्राएं दान कर रहे हैं भागवत में भागवत की तरफ से यही कामना है अरसा दे दे कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करती रहे परिचित जी धीरे धीरे समय बीता देवकी के पहली संतान ने अवतार लिया और जब पहली संतान ने अवतार लिया उसे लेकर के वसुदेव कंस के पास में पहुंचे और जब कंस के पास में पहुंचे कंस ने कहा इसे तुम ले जाओ मेरा काल तो आठवां बालक है ये बालक थोड़ा है लौटार दिया देव ऋषि बाबा नारद ने देखा सोचने लगे कंस को इसी तरह से दया आती रही तो भगवान का अवतार नहीं होगा हाथ में बीड़ा लिया और